दोस्तों यहाँ पर मैंने एक्सेल शीट खुला हुआ है जिसमें हम क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई दो कर तरह से करके देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ डेटा लिया हुआ है। डेटा लेने के बाद जो है कि मैं इसको चलिए सबसे पहले बॉर्डर लगा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर, आइटम नेम, यहाँ पर क्वांटिटी, रेट और अमाउंट दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 10 क्वांटिटी है और यहाँ पर रेट दिया हुआ है, तो जिसको मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो इसको हम कैसे करके देखेंगे, इसको समझने वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद स्टार का मार्क देंगे और उसके बाद इसको क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो है कि टोटल यहाँ पर अमाउंट आ गए। उसी तरह से इसको भी हम करेंगे। तो यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, इक्वल टू यहाँ पर जो है इसको सिलेक्ट किए, मल्टीप्लाई का ऑप्शन यानी कि स्टार मार्क, इसको क्लिक किए, इंटर किए, आप देखेंगे कि अभी अमाउंट दे दिए। उसी तरह से मॉनिटर का रेट जो है और यहाँ पर क्वांटिटी जो है उसको लेना है, तो इक्वल टू किए और यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट किए, मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर इसको क्लिक किए, एंटर किए, आप देखेंगे कि इसका भी अमाउंट आ गया। लेकिन इसको अगर हम दूसरी तरह से लेना चाहते हैं तो और भी तरीके होते हैं। इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर इक्वल टू और हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है, हम टैब की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट सिलेक्ट होकर के ब्रैकेट ओपन हो जाता है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले वाले क्वांटिटी वाले कॉलम को यानी कि सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो भी जो है कि इसका टोटल प्राइस जो आना चाहिए एक्चुअल में अमाउंट, वो यहाँ पर शो कर देता है। उसी तरह से इसमें भी हम देख लेते हैं इक्वल टू की। इक्वल टू करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिखने के बाद टाइप किए, यहाँ पर क्लिक किए, कॉमा लगाए, यहाँ पर इसको सिलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर हम करेंगे तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई करके दे देता है। यानी कि अगर हम मल्टीपल कॉलम को अगर मल्टी क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 का गुणा जो है मेरे को 10 से करना है और इसको गुणा करना है 2 से, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वल टू प्रोडक्ट हम लेंगे। प्रोडक्ट लेने के बाद टैब, यहाँ पर इसको सिलेक्ट किए, कॉमा दिए, इसको सिलेक्ट किए, कॉमा, यहाँ पर सिलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर आप करेंगे तो यहाँ पर इसको टोटल कर देगा। देख सकते हैं 5 × 50 होता है, 5 × 2 यानी कि 50 × 100 होता है, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू यहाँ पर आ गए। तो दोस्तों इस तरह से हम मल्टीप्लाई के दो तरीके ले सकते हैं। एक तो जो है कि यहाँ पर ये जो हमने तरीका जाना हुआ है, आप देख सकते हैं इक्वल टू C5 × D5, और यहाँ पर इस वाले तरीके के साथ भी चल सकते हैं, यानी प्रोडक्ट वाले तरीके के साथ। तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।